हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल बायो लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल। जैसा सर, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक माना जाता है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल है क्या। ये वायरस के मल्टीप्लिकेशन करने की एक मेथड होती है जो बैक्टीरियल सेल की थ्रू होती है। तो इसमें दो साइकिल होती हैं, लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। तो सबसे पहले लिटिक साइकिल में चलते हैं। तो इसके अंदर कुछ स्टेप आते हैं जिसके केवल नाम लिखे हैं, जिसको मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले अब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, इंडक्शन, सिंथेसिस, असेंबली, रिलीज। लिटिक साइकिल को वेलेंट साइकिल भी कहते हैं। दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल और टेम्परेट साइकिल। अब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, इंडक्शन, सेल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, असेंबली, रिलीज। और लाइसोजेनिक साइकिल को टेम्परेट साइकिल भी कहते हैं। टेम्परेट साइकिल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि कुछ देर बाद लाइसोजेनिक साइकिल लिटिक साइकिल में वापस एंटर कर जाती है। और अब्जॉर्प्शन और पेनिट्रेशन को मिला के एक बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसे प्रोफेज स्टेज कहते हैं, जिसको मैं भी आगे डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहले आते हैं लिटिक साइकिल में। और सबसे पहले इधर बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिया गया है, जिसका ये हेड है, ये नेक है और ये टेल्स है। दरअसल इसका जो हेड होता है, इसकी चौड़ाई होती है 650 एंगस्ट्रॉम और इसका जो हेड की लंबाई होती है 950 एंगस्ट्रॉम। और हेड से नेक तक की लंबाई होती है 950 एंगस्ट्रॉम और जो इसकी टेल होती है, इसकी लंबाई होती है 1150 एंगस्ट्रॉम। तो लिटिक और या फिर वायरुलेंट साइकिल में चलते हैं। सबसे पहले स्टेप होता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है हमारा, वो सबसे पहले बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करता है। तब हमारा जो जीनोम होता है, बैक्टीरियल सेल का जीनोम, वो हमेशा सेव रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। फिर उसके बाद है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब है फिर अटैक करने के बाद बैक्टीरियल सेल में जो बैक्टीरियोफेज होता है, उसकी टेल से एक स्पेशल एंजाइम निकलता है जिसे लाइसोजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम क्या करता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक कर देता है और अपना जो जीनोम उसका होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर जाता है। बैक्टीरियल सेल के एंटर करने पर तब भी इधर कुछ नहीं होता, जीनोम तब भी बैक्टीरियल सेल का सेव रहता है वायरल जीनोम से। इंडक्शन, अब इंडक्शन में क्या होता है, क्योंकि एंटर तो कर गया हमारा वायरल जीनोम बैक्टीरियल सेल में, एंटर करने के बाद ये इसके साथ अटैच हो जाता है, इसको कहते हैं इंडक्शन। अब इंडक्शन करने के बाद, अब क्योंकि वायरल जीनोम हमारा बैक्टीरियल जीनोम के साथ अटैच हो गया है, तो अब ये इसकी होस्ट मशीनरी में पूरा कंट्रोल कर लेगा और जो भी इसका फंक्शन था, सभी बैक्टीरियोफेज का जीनोम कंट्रोल करेगा और अपनी प्रोटीन बनाएगा सिंथेसिस में। अब इसके बाद जो स्टेप आता है सिंथेसिस, इसमें क्या करता है, ये अपनी प्रोटीन बनाता है। अगर प्रोटीन अब बनाए गई है और अपने असेंबली, उसके बाद आता है स्टेप असेंबली। असेंबली में क्या होता है, अब प्रोटीन बन रही है तो जो भी बैक्टीरियोफेज के लिए नीड थी वो पनपने लगी है। तो अब क्या होगा, असेंबली में जो छोटे छोटे बैक्टीरियोफेज बनने लगेंगे, इसमें पहले छोटे हेड बनने लगेगा, उसका नेक बनने लगेगा, उसकी टेल बनने लगेगी। अंदर ही बैक्टीरियल सेल के छोटे छोटे डॉटर सेल बैक्टीरियोफेज के बनने लगेंगे। और जब बैक्टीरियोफेज के अंदर डॉटर सेल बनने लगेंगे, फिर कुछ देर बाद हमारी बैक्टीरियल सेल जो होगी फट जाएगी और जो अंदर के बैक्टीरियोफेज हैं वो रिलीज हो जाएंगे। अब क्योंकि अंदर तो बन चुकी हैं हमारे पास काफ़ी बैक्टीरियोफेज, तो अब रिलीज कैसे होंगे, तो इसके लिए भी एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं रिस्ट्रक्शन एंजाइम। रिस्ट्रक्शन एंजाइम होता है जो बैक्टीरियल सेल को
ब्लास्ट कर देता है। अब देखिए, मैंने बोला था कि लिटिक साइकिल में जो बैक्टीरियल सेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, मर जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, ब्लास्ट हो गई, और जो 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 हमारे पास वायरस थे वो रिलीज हुए और नए बैक्टीरियोफेज बन गए, और इसको वायरलेंट साइकिल भी कहते हैं। अब चलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल में। अब लाइसोजेनिक साइकिल में दो तीन स्टेप तो वही रहते हैं, अब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, इंडक्शन। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसमें भी अब्जॉर्प्शन हुआ, बैक्टीरियोफेज आके जुड़ा बैक्टीरियल सेल से, लेकिन जीनोम बैक्टीरिया का वैसे ही सेव रहेगा। फिर पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन में टेल की वजह से लाइसोजाइम वापस रिलीज हुआ टेल से, बैक्टीरियल सेल टूटी, सेल वॉल टूटी, उसका जीनोम बाहर निकला, लेकिन अभी भी हमारा बैक्टीरियल जीनोम संरक्षित। अब इंडक्शन, अब इंडक्शन में क्या हुआ, जो हम वायरल जीनोम था वो बैक्टीरियल जीनोम से अटैच हो गया। अब क्योंकि अटैच तो हो गया है, अब इसमें देखिए, अब इधर से चालू हो जाएगी स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेशल कंडीशन चालू हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि अब देखिए, उसमें क्या हुआ था कि इधर बनने लगा था, फिर उसके बाद असेंबली चालू हो गई थी, असेंबली चालू हो गई थी, तो नए नए डॉटर सेल बनने लगी थी, वो डॉटर बैक्टीरियोफेज बनने लगे थे। तो इसमें क्या होगा, जो जो हमारे पास नया जो जीनोम बना है, रिकॉम्बिनेंट कंबाइन हुआ है जो, वो भी उससे इसमें सेल डिवीजन होने लगेगा, तो ये डबल हो जाएंगे। इस स्टेज को कहेंगे सेल डिवीजन, मैनी टाइम्स सेल डिवीजन होता है, बहुत सारी इस तरह करके बहुत सारी सेल बन जाती हैं। ये देखिए, ये दो सेल बन गई, एक से दो, दो से चार, बाइनरी फिजन जैसे। अब क्या होगा, क्योंकि अब तो ये हो गया है, अब कई सारी सेल बन गई हैं, तो अब इधर स्पेशल कंडीशन आएगी कि इधर सिंथेसिस होगी, मैंने सिंथेसिस लिखा नहीं है, लेकिन इधर सिंथेसिस होगी, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट चाहिए उनके पनपने के लिए, बैक्टीरियोफेज तो बनना ही है ना। सिंथेसिस होगी, असेंबली हुई, असेंबली में क्या हुआ, छोटे छोटे हेड बनने लगे, टेल बनने लगी, नेक बनने लगे बैक्टीरियोफेज के। फिर रिलीज हुआ, रिलीज कैसे हुआ, जो अंदर के जो बैक्टीरियोफेज थे इन्होंने एक एंजाइम सीक्रेट किया जिसका नाम है, आप बताइए, रिस्ट्रक्शन एंजाइम। इन्होंने रिलीज किया जिससे इसकी सेल वॉल फट गई और लॉट ऑफ बैक्टीरियोफेज वापस बन गए। तो हम एक बार फिर से समराइज करेंगे, लिटिक और लाइसोजेनिक का मतलब है बैक्टीरियोफेज के द्वारा बैक्टीरियल सेल से कई सारे बैक्टीरियोफेज का मल्टीप्लिकेशन। लिटिक साइकिल में कौन कौन से स्टेप आते हैं, एब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, इंडक्शन, सिंथेसिस, असेंबली, रिलीज। और इसमें अब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, इंडक्शन, सेल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, असेंबली, रिलीज, और अब्जॉर्प्शन और पेनिट्रेशन को मिला के प्रोफेज स्टेज बनती है। लिटिक साइकिल में क्या हुआ, अटैच हुआ बैक्टीरियोफेज, पेनिट्रेशन में क्या हुआ, उसका जो वायरल जीनोम था वो उसके अंदर आया अभी, लेकिन अटैच नहीं हुआ। इंडक्शन में दोनों अटैच हो गए, और सिंथेसिस में प्रोटीन बनने लगी, असेंबली में छोटे छोटे नेक, टेल और हेड बनने लगा, रिलीज हो गया जो, क्योंकि रिस्ट्रक्शन एंजाइम निकला और बैक्टीरियोफेज आज़ाद हो गए। और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या था कि जो ये था उसी तरह अब्जॉर्प्शन हुआ, पेनिट्रेशन हुआ, इंडक्शन हुआ, फिर उसके बाद स्पेशल कंडीशन आई जिसमें ये सेल डिवीजन होने लगे, एक सेल से दो सेल, फिर उस सेल से दो सेल, कई सारी सेल बन गई, और कई सारी सेल बन गई, फिर स्पेशल कंडीशन आई जिसमें वापस सिंथेसिस हुई उसी सेल में, क्योंकि देखिए नाउ इंटर इन लिटिक साइकिल, वापस ये लिटिक साइकिल में इंटर कर गया इस स्पेशल कंडीशन आने के बाद, इसलिए हम इसको टेम्परेट साइकिल भी कहते हैं, इसलिए इसको टेम्परेट साइकिल कहते हैं। और फिर उसके बाद असेंबली हुई, छोटे छोटे नेक बने, टेल बनी, और फिर उसके बाद रिस्ट्रक्शन एंजाइम रिलीज हुआ, फिर सेल ब्लास्ट हो गई। तो देखिए सेल ब्लास्ट हुई क्योंकि इसमें जरूरी नहीं, क्योंकि लाइसोजेनिक साइकिल इधर तक
इधर तक मानी जाती है, ये इधर से तो रिलीज हो गई ना, इसलिए इधर तो ब्लास्ट हो गई सेल, इधर तक नहीं ब्लास्ट हुई थी ना, इसलिए लाइसोजेनिक में साइकिल में कोई भी सेल ब्लास्ट नहीं होती, बैक्टीरियल सेल नहीं मरती। तो अब इसके एमसीक्यूज देखते हैं। जो नीट और एग्जाम में पूछे गए हैं, विच एंजाइम रिलीज बाय द बैक्टीरियोफेज टू ब्रेक सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो बैक्टीरियोफेज रिलीज करता है बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ने को। रिस्ट्रक्शन एंजाइम तो अंदर से रिलीज किया जाता है, वो नहीं हो सकता। काइटिनेज फंजाई में फंजाई की सेल वॉल को तोड़ने के लिए किया जाता है, इस्तेमाल नहीं। लाइसोजाइम इज द करेक्ट आंसर। इन विच साइकिल सेल डिवीजन अकर्स, टेम्परेट, लिटिक, वेरुलेंट और नन। क्या वेरुलेंट साइकिल, वेरुलेंट साइकिल क्या, लिटिक साइकिल का दूसरा ही नाम है, और लिटिक साइकिल में होता नहीं है सेल डिवीजन, ये किस में होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में, और लाइसोजेनिक साइकिल का दूसरा नाम है टेम्परेट साइकिल। करेक्ट आंसर। असेंबली इज द प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व होता है असेंबली, कैसा प्रोसेस है, इंटर ऑफ वायरस वायरल जीनोम इन थ्रू द होस्ट सेल, ये क्या हो गया, ये तो हो गया पेनिट्रेशन, ये नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑफ द वायरस सही है, बॉडी ऑफ वायरस, सेल डिवीजन होता नहीं है, वो लाइसोजेनिक में होता है, और मतलब असेंबली तो वही है ना जिसके अंदर बॉडी बने, नहीं नहीं। बैक्टीरियोफेज इज द वायरस विच इन्फेक्ट्स, ये नीक पे भी आई टी जैम में भी आया। बैक्टीरियोफेज ऐसा कौन सा वायरस है जो, ये किसको इन्फेक्ट करता है, प्लांट को, बोथ ऑफ देम, ह्यूमन को या फिर बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया को करता है। तो यहाँ से हमारी लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। और अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा।